तो भैया सुबह सुबह इस पिटारे में लेके क्या घूम रहे हो? ये मैडम बक्से वाले खस्ते हैं चौक के। बक्से वाले खस्ते जी, इसमें मैडम तीन मिल के आते हैं खस्ते, ये करारे, मीडियम, मुलायम। अच्छा, ये रहते हैं मीडियम, ये रहते हैं मुलायम, और ये रहते हैं आपके करारे। अच्छा, क्रिस्पी, तीन मिल के होते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं इसके साथ मैडम? ये आलू रहता है, बढ़िया चटपटा आलू रहता है, ये मटर रहती है, और ये छौंका मिर्चा आता है, ये मिर्ची मसाले वाली छौंकी, और ये प्याज रहता है, ये मसाला रहता है, और चटनी रहती है ये। मैडम आलू के अंदर मसाले जो पड़ते हैं ये सीक्रेट मसाले अलग से और डालते हैं हम अपने। भैया चार दिन से आपको ढूंढ रहे हैं लगातार, आप मिलते ही नहीं हो। पहले तो मुझे सबसे पहले ना आप एड्रेस बता दो। मैडम ये एड्रेस आपका बेबी हक, ये बैंक ऑफ इंडिया के सामने, ये मुकीम कैटर्स, इसके सामने। अच्छा, सो गाइस सामने बेबी हग है, उसके जस्ट सामने भैया का ये बाइक वाला प्यारा सा सेटअप मिल जाएगा जिसपे ये अपना बक्सा लेकर घूम यहीं पे बैठते हैं। इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मसाले वाले आलू हैं, एकदम मसालेदार, हरी मिर्च डाल के बनाए हुए हैं तो एकदम तीखे होंगे। ये देखिए हरी मिर्च भी मिल रही है। ये मैडम कड़ों में चटपटे आलू रहते हैं बढ़िया, और खस्ते रहते हैं आपके करारे, मीडियम, मुलायम, तीन मिल के। अच्छा, और टाइमिंग्स क्या रहती है आपके अंकल? टाइमिंग मैडम रहती है सुबह 7:30 से 11:30, 7:30 से लेके 11:30। बट 11:30 तो मैं आई थी इस रोड पे, अब दिखे ही नहीं मेरे को। जल्दी जल्दी कभी 10 बजे कोई टाइमिंग नहीं, 10:30-11 बजे से ऊपर नहीं। अच्छा, तो भाई कोई टाइमिंग नहीं होता, आप टाइम से आइएगा अगर आपको बक्से वाले खस्ते खाने हैं। और भैया मशहूर इस नाम से, बक्से वाले खस्ते के नाम से बाइक पे लेकर आते हैं ये अपना प्यारा सा सेटअप, ये बक्सा खजाना खस्तों का, और लोगों को प्यार से खिलाते हैं। तो अंकल जी एक प्लेट लगा दीजिए हमारी भी। सो गाइस पत्ते पे यहाँ पर ये जो है सेटअप सर्व करते हैं भैया। ये रहते हैं इनके मसालेदार आलू, उसके साथ आपको मिलेगी ये चटनी। किस चीज़ की चटनी है ये? चटनी नहीं मैडम, ये छोला होता है। अच्छा छोला है जी। अच्छा मुझे लगा चटनी है। ये छोले रहते हैं, मटरा, ये है ना? मसालेदार मिर्ची, मसालेदार मिर्ची, ये रहता प्याज, प्याज, ये आ गया मसाला आपका, और ये आ गया चाट मसाला, ये मसाला दूसरा है कोई, और ये मसाला अपना बांटते हैं। अच्छा ये चटनी आ गई। ये कौन सी चटनी है? ये पुदीने की होती चटनी। अच्छा पुदीने की चटनी है। ये करारा खाएंगे? मीडियम करारा, एक सिंगल ही दीजिएगा। सिंगल? हाँ। डबल लगा दिए, डबल। अच्छा देखिए आप लोग, तो ये मीडियम और ये करारा। ठीक है, तो भैया आपको तीन तरह के खस्ते मिलेंगे यहाँ पे, मीडियम, सॉफ्ट और करारे। तो भाई बच्चों के लिए जिनकी एज ज़्यादा है, दांत नहीं है, वो भी खा सकते हैं, और जिनको करारा पसंद है उनके लिए भी है। हाँ मैडम 60-60 साल के लोग खाते हैं, मुलायम उनके लिए खस्ते अलग। अच्छा ये आगे प्लेट आप खाएंगे दादा? क्या आ चुके हैं हमारे बक्से वाले खस्ते, जो कि भैया एकदम देसी स्टाइल में पत्ते के ऊपर सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है मीडियम खस्ता, साथ में मिला है मटरा, मसालेदार आलू, मिर्ची, प्याज, पूरा एक ही पिटारा इस पत्ते के ऊपर रख के दे दिया है भैया ने। तो ट्राई करते हैं, और भाई बहुत बहुत ही खस्ता थे ये तो, मतलब इससे ज़्यादा खस्ते नहीं खाए एक्चुअल में। मेरे को लगा यार ठीक है खस्ता होगा, पर इतना नहीं सोचा था मैंने। साथ में लगाएंगे ये मटरा और ट्राई करते हैं। जितने भी खस्ते मैंने खाए हैं ना लखनऊ में आके, मैंने 3-4 जगह के खस्ते ट्राई किए हैं, उसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये खस्ता लगा। ये सच में बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया इसको ट्राई करके। बाकी इसका प्राइस रहता है एक खस्ते का 15 रुपये और दो खस्तों का 25 रुपये। तो डेफिनेटली आना ज़रूर यहाँ पर। लोकेशन एक और बार बता देती हूँ, सामने है बेबी हग, वाजपेयी कचौड़ी वाले हैं बड़े फेमस इसी गली के अंदर। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट के नीचे भैया अपना छोटा सा सेटअप लगाते हैं बक्से वाले खस्ते का। तो सुबह आइए 7 बजे से लेके 11 बजे तक, मैक्स 11 बजे तक, मैक्स 10 बजे तक ही लगा लीजिए आप, क्योंकि मैंने 3-4 बार देखा है ना चले जाते हैं ये। तो आइएगा टाइम से अगर ये खस्ते ट्राई करने हैं आपको, वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है, मज़ा आ जाएगा आपको।